आप लोग ना एक रजिस्टर नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए और बॉल पॉइंट रखें। फिजिकल केमिस्ट्री बेहतर अंदाज में पढ़ाई जा सकती है। फिर जो कमी रह जाएगी वो हम इंशाल्लाह जब हमारा फेस टू फेस लेक्चर होगा 1st of Feb से तो कर लेंगे, और दरमियान में एक आध मैं आपको ना पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन टाइप कर दूंगा ताकि कोई कमी ना रहे। तो टुडे वी हैव द मोर सिंपल लेक्चर, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है FSC में भी, मैक्स प्लैंक्स थ्योरी जो बेसिक्स है क्वांटम की। तो बेसिकली मैक्स प्लैंक्स हैज प्रपोज्ड द क्वांटम, क्वांटम का जो वर्ड है वो मैक्स प्लैंक्स ने किया था। और इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है क्वांटम थ्योरी का वो ये है कि एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन डिसकंटिन्यूस मैनर। ठीक है, एनर्जी जो रेडिएशन है वो डिसकंटिन्यूसली मूव करती है, नॉट कंटिन्यूसली। ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन डिसकंटिन्यूसली फ्रॉम अ सोर्स, और एनर्जी की जो है वो हमारे पास क्या है कि विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू होती है। वी को थोड़ा सा ऊपर से मोड़ लें, टेढ़ा कर दें, दिस इज कॉल्ड न्यू, इसको हम न्यू कहते हैं। वी ऐसे थोड़ा सा टर्न कर लें, इट विल बिकम न्यू। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो या विद एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू क्वांटम की होती है। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन, अगर लाइट का केस होगा तो फिर फोटोन हम उसको कहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये बना, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन डिसकंटिन्यूसली फ्रॉम अ सोर्स विद एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये है हमारे पास। सूरज से जो रेडिएशन हमारे पास बच्चों आती है डिसकंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस आ जाए तो फौरन हमें बर्न कर दें, जला दें। जो हमारे पास बुलेट है फ्रॉम अ गन ये कंटिन्यूस आती है, फौरन हिट करती है, और अगर डिसकंटिन्यूस चीजें आए तो फिर क्या होगा, हमारे पास उनकी एनर्जी और होती है। अब लिखें रिलेशनशिप्स, एनर्जी रिलेशनशिप्स है। नंबर वन एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप, सेकेंड पॉइंट पर हम आ गए हैं, इसमें क्या है एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या, एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो आप बताएंगे कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। किसी एक पॉइंट से हम जितनी दफा गुजरे उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इक्वल टू 6.6। पहला रिलेशन आपने निकाला एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, आपने कहा एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, वो तमाम रेडिएशन जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है ऑब्वियसली उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू पढ़ते हैं, वी को थोड़ा टेढ़ा कर दें, इट स्टैंड फॉर ग्रीक वर्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, बेसिकली 6.624 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप, जिसमें हम बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। हमारे पास यानी दो पहाड़ हैं, उनके आप चोटियों के दरमियान डिस्टेंस माप लें या उनके जड़ों के दरमियान में, वो आपके पास वेवलेंथ कहलाता है। तो एनर्जी जो है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, लैम्डा से यूज करते हैं इसको, यूनिट्स आर मीटर सेंटीमीटर, वो जो लेंथ है उसके यूनिट ऑफ लेंथ आर द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, हमने ऊपर पढ़ा था ई इक्वल टू एच न्यू के, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पहला रिलेशन पढ़ा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास किसके, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू के, ई इज इक्वल टू एच न्यू के।
और ये वन इक्वेशन हो गई। इसमें अब हमने थर्ड पे लिखा E डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन आवर लैम्डा वेवलेंथ के, तो हमने इक्वेशन वन में देखा हुआ है इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है सी आवर लैम्डा के, प्लीज राइट डाउन न्यू इज इक्वल टू सी आवर लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो इक्वेशन वन में पुट करें इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की वैल्यू हमने क्या ढूंढी है सी आवर लैम्डा। इक्वेशन टू बिकम ई इज इक्वल टू एच सी आवर लैम्डा। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो एनर्जी क्या निकली ई आपके पास हो जाएगी वन आवर लैम्डा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन आवर लैम्डा। तो जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू एच सी आवर लैम्डा, इसे थर्ड का नाम दे दें। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। निमरा जमील समझ आ रही है बात आपको? यस सर आ रही है। अनम आपको समझ आए पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन वन हो गई इज इक्वल टू एच न्यू, टू हो गई हमारे पास इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, अब हम आते हैं एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप, थर्ड पॉइंट लिखें एनर्जी वेव नंबर रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट लेंथ, एक मखसूस लेंथ होगी डिस्क्राइब्ड लेंथ, उसमें से नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट लेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर का। न्यू लिखें, इसके ऊपर बार का निशान लगा दें, सीधी लाइन छोटी सी, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू वन आवर लैम्डा, वेव नंबर इज इक्वल टू वन आवर लैम्डा। प्लीज सी इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू थी ई इज इक्वल टू एच सी आवर लैम्डा, तो वन आवर लैम्डा किसके इक्वल है? जो एच सी के नीचे लैम्डा, ये वन आवर लैम्डा बनता है, ये है न्यू बार के इक्वल। इसको रिमूव करें एच सी न्यू बार आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। न्यू बार क्या है? इक्वेशन थर्ड, एच कांस्टेंट है सी कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। तो कंक्लूजन क्या निकला? लिखें कंक्लूजन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। उसामा आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? उसामा आपको समझ आए ये चीजें? माइक ऑन कर लो उसामा। अच्छा उसामा मुझे ये बताओ कि एक रेडिएशन है रेडियो फ्रीक्वेंसी और एक रेडिएशन है यूवी। जो हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनकी ना वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो एनर्जी जो है वो यूवी की ज्यादा होगी या रेडियो फ्रीक्वेंसी की? समा बताएं। जवेरी आप बताओ। सर यूवी की ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और एक्सीलेंट एक्सीलेंट शाबाश शाबाश। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्ड पॉइंट, एनर्जी जो है रेडिएशंस, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैविंग क्वांटाइज्ड वैल्यू। एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैव क्वांटाइज्ड वैल्यू, इसका क्या मतलब? एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे परफेक्ट वैल्यू होगी, होल नंबर में होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एन क्या होगा? एन विल बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एग्जैक्ट नंबर होंगे।
ये नहीं होंगे कि आपके पास जीरो हो जाए, पॉइंट फाइव हो जाए, माइनस हो जाए, नहीं. एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, और हायर लेवल टू लोअर लेवल विल बी क्वांटाइज्ड. एनर्जी वैल्यू ऑफ रेडिएशन विल बी क्वांटाइज्ड. ये है समरी. प्लीज राइट डाउन. एनर्जी वैल्यू ऑफ रेडिएशन will be quantized. Quantized कहते हैं exact value होना. Exact. N is equal to 1, 2, 3. Whole number में होगी, fraction में नहीं होगी. एक से दूसरी सीढ़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, एक fixed value होगी, constant value होगी. आमतौर पर आपने जर्नल देखे, सीढ़ियां बराबर होती हैं एक जैसे. ये नहीं होता, एक सीढ़ी एक स्टेप की, अगला वो दो के बाद है, उससे अगला पांच के बाद है, नहीं. हम सीढ़ी की डेफिनेशन ये लेते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस. तो इसको कहते हैं, अगर हम देखें घर की सीढ़ियां क्या है, हम कहेंगे क्वांटाइज्ड है. एग्जैक्ट वैल्यू होती है, होल नंबर वैल्यू होती है. तो थर्ड पॉइंट की समरी क्या है कि एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विद क्वांटाइज्ड वैल्यू. ये एक हमारा शॉर्ट टॉपिक था कि एक्सप्लेन द पास्टुलेट ऑफ मैक्स प्लांक्स थ्योरी. इसको मैं समराइज कर देता हूँ, कुछ बच्चे लेट आए. नंबर वन, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन डिसकंटिन्यूअस मैनर फ्रॉम अ सोर्स विद एनर्जी एच न्यू. सेकंड पॉइंट, अच्छा, जो हमारे एनर्जी पैकेट्स हैं आर कॉल्ड क्वांटम. इन केस ऑफ लाइट दे आर कॉल्ड फोटोन. सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप्स, एनर्जी रिलेशनशिप. फर्स्ट इज एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एनर्जी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एनर्जी वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. थर्ड पॉइंट है एनर्जी जो है रेडिएशन के ट्रेवल, वो क्या है, वैल्यू क्वांटाइज्ड है, हैविंग क्वांटाइज्ड वैल्यू. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ऑपरेटर. जी सैरिश आप सुन पा रही हैं? सैरिश जावेद. यस सर. सैरिश आवाज आ रही है बेटा? यस सर. सैरिश टेलीफोन ऑपरेटर कौन होता है भला? जो जो टेलीफोन चलाता है. ठीक है लाइबा, आप सुन पा रहे हो? अरूज, अरूज अर्शद. यस सर. केबल ऑपरेटर कौन होता है, या लिफ्ट ऑपरेटर बताओ? लिफ्ट ऑपरेटर जो लिफ्ट चलाता है. हाँ, हम उसे फिर क्या कहते हैं कि सेकेंड फ्लोर, वो सेकेंड दबा देगा. हम कहें ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड की तरफ चला देगा. तो बेसिकली ऑपरेटर होता कौन है यहां से, कि जिसे हम इंस्ट्रक्शन दें वो उनको फॉलो करे. ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है डिफाइन ऑपरेटर और डिस्क्राइब कॉमन ऑपरेटर यूज इन क्वांटम केमिस्ट्री. ये हमारा अगला टॉपिक है, डिफाइन ऑपरेटर और डिस्क्राइब कॉमन ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम केमिस्ट्री. अब ऑपरेटर क्या है, जैसे हमने देखा कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दें वैसे काम करे. फॉर एग्जांपल, पहले तो डेफिनेशन लिखे ना इसके ऑपरेटर के प्लीज. ठीक है, अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर, अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर विच इज कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन टू गेट अनदर फंक्शन. A mathematical instruction or procedure which is carried out on a function to get another function. Math में function उन्हें कहते हैं जिनकी ना कोई value नहीं होती, constant change होती रहती है. जैसे 4x, 4 constant है, x हमारे पास क्या function है, variable, इसकी कोई भी value निकल सकती है. ठीक है, तो दोबारा मैं repeat करना हूँ, a mathematical instruction or procedure which is carried out on a function to get another function. अब लिखें एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2
आंसर क्या होगा? इक्वल टू 4। ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या आंसर होगा हमारे पास? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें बताएं ऑपरेटर क्या है? ए भी ऑपरेटर है और जो आंसर आया वो भी ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या, इंस्ट्रक्शन क्या है ये ढूंढो ना। ए को ए के साथ क्या किया है, क्या करें? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना बेसिकली, दिस इज ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। सोनिया बास, आप आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। सोनिया आप बताएं एक्स प्लस एक्स आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ना, प्लस करना है तो 2x आएगा। टू एक्स आएगा। अब इसमें बताओ ऑपरेटर क्या है सर? प्लस, प्लस सम करना, सम करना, ठीक है जी। तो जो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड ऑपरेटर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। हाँ शाबाश बच्चों, शाबाश। दीज आर कॉल्ड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और ऑपरेटर सिंपली। हमने ये सीखा कि मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो सबट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें। अच्छा नेक्स्ट है कि कॉमन ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में दो ऑपरेटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन इज, उसे हम कहते हैं लैपलेशियन ऑपरेटर, LAPLACION लैपलेशियन ऑपरेटर। सर दोबारा रिपीट। लैपलेशियन ऑपरेटर, मैं नोट्स भेजता हूं ठीक है व्हाट्सएप पर। इट डील विथ थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अगर कभी हमने थ्री डायमेंशन को बताना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे लैपलेशियन ऑपरेटर। अब अच्छा हम शुरू का क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट से कर रहे हैं, हम ना फिजिकल केमिस्ट्री क्वांटम में हमें हमें एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे पहले जो चीज बताते हैं वो थ्री डायमेंशन मूवमेंट बताते हैं कि थ्री डायमेंशन मूवमेंट क्या होगी। तो आप बताएंगे थ्री डायमेंशन में जो है वो हम लैपलेशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल, डेल से हम इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से। हम डेल्टा लिखते थे डेल्टा एच डेल्टा टी, उसे उल्टा करके लिखते हैं डेल, डेल स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। तो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट है कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, या करली भी पढ़ते हैं मैथ में ना, जैसे छह लिखते हैं उल्टा करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर, यानी बताना क्या है, थ्री डायमेंशन मूवमेंट। अभी बच्चों परेशान हो, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ ये, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना याद है, जब भी लैपलेशियन ऑपरेटर आ जाएगा आपने फौरन जवाब देना है इट डील विद थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, बस ये आपके लिए। सेकंड हमारे पास जो चीज है वो है जनाब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल एच ए एम आई एल टी ओ आई ओ एन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, इट डील विद थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो और वो थ्री डी मूवमेंट शो कर रहा हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगर खाली थ्री डी मूवमेंट चेक करनी है लैपलेशियन ऑपरेटर, लेकिन साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी देखनी है देन वी विल यूज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, मैथमेटिकली एच इज इक्वल टू माइनस
हम कहेंगे एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर ओवर हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पी। अब इसमें एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट ओवर 8 पाई सर्कुलर मोशन है एम मास है 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर मीन थ्री डायमेंशनल मोमेंट प्लस पी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हम ना बहुत ज्यादा क्वांटम में ये टर्म्स आएंगे कहां जहां थ्री डायमेंशन लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वहां जस्ट डेल स्क्वायर लिख दिया करेंगे जहां ये लिखा होगा माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पी वहां जस्ट एच लिख दिया करेंगे। इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल मोमेंट विद पोटेंशियल एनर्जी तो ये जस्ट हमारा एक और भी है जस्ट हमने ये याद रखने जो बार बार यूज होंगे डिफाइन ऑपरेटर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर विच इज कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन टू गेट अनदर फंक्शन उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। और हमने दो देखे लैप्लेशियन थ्री डायमेंशनल मूवमेंट हैमिल्टोनियन थ्री डायमेंशनल मूवमेंट अलोंग पोटेंशियल एनर्जी। जी अली आपको समझ आया कुछ जी अली आपको समझ आया बेटा फॉर्म बता दे यस सर। अच्छा ठीक है गुड दोबारा एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रही है आवाज कट रही थी वो दोबारा रिपीट करें निम्रा आपने मैसेज कर दें प्लीज निम्रा आप ना मैसेज कर दें मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक है ठीक है बच्चों मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं और नेक्स्ट फिर स्क्रीन शेयर भी आपके साथ क्या कर लूंगा ताकि इजी हो जाए ठीक है ओके सर ओके बच्चों अल्लाह हाफिज ऑल द बेस्ट अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर।